हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग तीन कंपनियों को कंपैरिजन चार्ट में रखेंगे और ये तीन कंपनियां हैं टाइटन कंपनी, राजेश एक्सपोर्ट्स और वैभव ग्लोबल। ये तीनों ही कंपनियां एक ही सेक्टर से आती हैं और हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के मार्केट कंडीशन में, आज तारीख है दोस्तों 31 जनवरी 2021, आज के मार्केट कंडीशन में जब टाइटन के भाव 1420 चल रहे हैं, राजेश एक्सपोर्ट 477 रुपये और वैभव ग्लोबल तकरीबन 2600 रुपये चल रहे हैं, तो आज के मार्केट कंडीशन में इन तीनों कंपनियों में बेस्ट कौन है ये हम लोग डिसाइड करेंगे और इसके हम लोग रैंकिंग भी करेंगे और रैंकिंग के आधार पर मार्क्स निकालेंगे और जिस कंपनी का मार्क्स सबसे ज़्यादा आएगा उसे हम लोग नंबर वन कंपनी बोलेंगे, उसके बाद नंबर टू और फिर नंबर थ्री, ये हम लोग आज डिसाइड करेंगे इस पूरे वीडियो में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। इसमें हम लोग कुल 12 पैरामीटर लेंगे, फाइनेंशियल पैरामीटर, जिसके आधार पर हम लोग इस कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि 1, 2, 3 कौन सी कंपनी निकल के आती है हम निवेशकों के सामने। दोस्तों, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हर समय मार्केट कंडीशन अलग होते हैं, कुछ स्टॉक काफ़ी रनअप दे जाते हैं उसके बाद उनके वैल्यूएशन महंगे हो जाते हैं, कुछ का रनअप नहीं हो पाता है लेकिन उनके वैल्यूएशन कम देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग डेटों में अगर हम लोग वीडियो बनाएं तो अलग अलग वीडियो में अलग अलग कंपनियां छन करके एक नंबर और दो नंबर पर आती हैं। इनका जो नंबर है समय के साथ, वैल्यूएशन के साथ चेंज होता रहता है। तो आज हम लोग, आज 31 जनवरी 2021 का डेट है, आज के डेट के अनुसार हम लोग वैल्यूएशन निकालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1, 2, 3 कौन कौन सी कंपनी आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार लेकर के आ रहा हूं और आपको मजबूत फंडामेंटल स्टॉक के बारे में लगातार बता रहा हूं रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, अब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके जो पैरामीटर है जिस पर हम लोग एनालाइज करेंगे उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से 12 फाइनेंशियल पैरामीटर हैं जिस पर हम लोग आज इन तीनों कंपनियों का लिटमस टेस्ट करने जा रहे हैं। तो जो पहला पैरामीटर है दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन है कि किस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा है उसे हम लोग एक नंबर देंगे, उससे कम प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी को दो नंबर देंगे, रैंकिंग देंगे, और सबसे कम मार्जिन वाली कंपनी को हम लोग थर्ड रैंक देंगे। और उसी प्रकार से रिटर्न ऑन इक्विटी एनुअल बेसिस पर जिस कंपनी का आरओई सबसे ज्यादा होगा उसे हम लोग फर्स्ट रैंक में रखेंगे, उसके बाद सेकंड और थर्ड, सबसे कम वाली को थर्ड रखेंगे। फिर तीसरा पैरामीटर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें भी दोस्तों हम लोगों ने वही रैंकिंग का मोड अपनाया है, जो सबसे ज़्यादा आरओसी वाली कंपनी होगी उसको हम लोग फर्स्ट रैंक देंगे, उससे कम वाली को सेकेंड और सबसे कम वाली को थर्ड रैंक देंगे। उसके बाद आइए हम लोग पी रेशियो पर बात करेंगे, टीटीएम बेसिस पर, यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ पी जो उनका रहेगा, कौन सा स्टॉक जो है महंगा है आज के डेट में, कौन सा सस्ता है उसकी हम लोग गणना करेंगे, और जो सबसे सस्ता स्टॉक होगा पी वैल्यूएशन के आधार पर उसे हम लोग रैंक वन देंगे, और उससे थोड़ा महंगा स्टॉक उसको हम लोग रैंक टू देंगे, और सबसे महंगा स्टॉक को रैंक थ्री देंगे। और पाँचवा है दोस्तों, पाँचवा जो पैरामीटर है वो 5 ईयर पी का एवरेज है कि पिछले 5 सालों में किसका एवरेज पी कितना रहा है उससे हम लोग सस्ता और महंगा समझने का कोशिश करेंगे, उसके आधार पर भी हम लोग रैंकिंग देंगे। अब आइए दोस्तों, छठा जो पैरामीटर है डेट इक्विटी रेशियो, तो इसमें जिसका सबसे कम डेट इक्विटी रहेगा उसे हम लोग फर्स्ट रैंक देंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा उसको सेकेंड, और सबसे ज़्यादा उसको थर्ड रैंक देंगे। और सातवां जो पैरामीटर है दोस्तों फाइनेंशियल पैरामीटर, वो प्राइस टू बुक वैल्यू, जिस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू सबसे कम रहेगा उसे हम लोग फर्स्ट रैंक देंगे, सबसे ज़्यादा वाले को थर्ड रैंक देंगे। उसके बाद आठवां फाइनेंशियल पैरामीटर है दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो जिस कंपनी का ICR सबसे ज़्यादा होगा उसे हम लोग फर्स्ट रैंक देंगे, उससे कम वाले को सेकेंड, और सबसे कम वाले को थर्ड रैंक देंगे। उसके बाद नौवां पैरामीटर है दोस्तों 5 ईयर ग्रोथ रेवेन्यू के टर्म में, जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसे हम लोग
फर्स्ट रैंक देंगे और सबसे कम वाले को थर्ड देंगे। और दसवां पैरामीटर है नेट प्रॉफिट फाइव ईयर ग्रोथ। इसमें भी दोस्तों सेम हम लोग मेथड अपनाएंगे और उसी प्रकार से 11 और 12 जो फाइनेंशियल पैरामीटर थ्री ईयर्स ग्रोथ फिगर रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट का है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो तीन कंपनियां हैं हम लोग सबसे पहले वैभव ग्लोबल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग जैसे इस वीडियो में मार्केट कैप को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, चूंकि मार्केट कैप से अगर कंसिडर करेंगे तो सारे पैरामीटर जो कुल स्कोर होगा वो बदल जाएगा। हम लोग ग्रोथ के हिसाब से इस वीडियो को बना रहे हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कंपनी जो है वो हाई ग्रोथ में चल रहा है और हम लोगों को अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो हम लोग सबसे पहले दोस्तों जो फर्स्ट पैरामीटर है नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से, तो हम लोग देख रहे हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है वैभव ग्लोबल का देखने को मिल रहा है 9.57। तो हम लोग वैभव ग्लोबल को यहाँ पर देखिए हमने रैंकिंग के लिए यहाँ पर कॉलम बना के रखा है, रो बना के रखा है, तो वैभव ग्लोबल को हम लोग फर्स्ट रैंक दे देते हैं। अब आइए दोस्तों जो सेकेंड नंबर पर किसका नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर पर टाइटन कंपनी आ रही है, तो हम लोग टाइटन कंपनी को सेकेंड रैंक दे देते हैं। ऑब्वियस है कि थर्ड नंबर पर राजेश एक्सपोर्ट आ जा रही है तीन नंबर के साथ। अब आइए दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी के आधार पर देखें तो वैभव ग्लोबल जो है 25.32% ROE के साथ पहले रैंक पर आती है और टाइटन 22.51% ROE के साथ जो है ये सेकंड पायदान पर आती है और राजेश एक्सपोर्ट थर्ड पायदान पर आती है। अब आइए दोस्तों थर्ड जो पैरामीटर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जो है वैभव ग्लोबल बाजी मार ले जाती है, इसका ROCE सबसे ज़्यादा है इसीलिए हम लोग इसको फर्स्ट रैंक देते हैं। उसके बाद जो सेकंड रैंक में आती है कंपनी वो टाइटन है, इसीलिए हम लोग टाइटन को सेकंड रैंक देते हैं और थर्ड में ऑटोमेटिक राजेश एक्सपोर्ट आ जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने तीन पैरामीटर पर कंपेरिजन किया, अब आइए दोस्तों चौथे पैरामीटर PTTM पर हम लोग कंपेयर करते हैं। तो सबसे जो सस्ती कंपनी देखने को मिल रही है वो राजेश एक्सपोर्ट आ रही है, इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट रैंक देते हैं और जो सबसे महंगी कंपनी है टाइटन देखने को मिल रही है इसलिए इसे हम लोग थर्ड रैंक देते हैं और सेकंड नंबर पर वैभव ग्लोबल आती है। अब फाइव ईयर एवरेज पी के आधार पर देखें तो जो सबसे सस्ती कंपनी देखने को मिल रही है राजेश एक्सपोर्ट, इसीलिए हम लोग एक नंबर देते हैं और सबसे महंगी कंपनी टाइटन देखने को मिले से तीन देते हैं, सेकंड नंबर पर वैभव ग्लोबल आती है। अब जो छठा पैरामीटर है दोस्तों डेट इक्विटी, तो डेट इक्विटी के हिसाब से देखें तो सबसे डेट इक्विटी कम वाला जो शेयर देखने को मिला है वैभव ग्लोबल, इसीलिए हम लोग इसे फर्स्ट रैंक देते हैं और टाइटन तो सबसे ज़्यादा डेट है इनके पास इसलिए राजेश एक्सपोर्ट को हम लोग सेकंड रैंक देते हैं और थर्ड रैंक जो है टाइटन कंपनी को देते हैं। अब आइए दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू के आधार पर राजेश एक्सपोर्ट एक रैंक लाती है और वैभव ग्लोबल सेकंड रैंक पर आती है, थर्ड रैंक पर टाइटन आती है। तो अभी तक हम लोगों ने सात पैरामीटर पर कंपेरिजन किया, अब आइए दोस्तों हम लोग आते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आठवें फाइनेंशियल पैरामीटर पर। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने को मिल रहा है वैभव ग्लोबल का देखने को मिल रहा है, तो ये एक नंबर पर आती है, सेकंड नंबर पर टाइटन आती है 13.67 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के साथ और तीसरे पायदान पर आती है राजेश एक्सपोर्ट। अब आइए फाइव ईयर्स ग्रोथ की बात करें रेवेन्यू का, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फाइव ईयर्स रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में एक नंबर पर आती है राजेश एक्सपोर्ट, दो नंबर पर टाइटन और तीन नंबर पर आती है वैभव ग्लोबल। अब अगर नेट प्रॉफिट से कंपेयर करें तो तीनों ही की तीनों कंपनियां 13% प्रॉफिट ग्रोथ के साथ पांच साल में एक एक रैंक पर आती है, सबको हमने सेम रैंक दिया है। अब आइए दोस्तों थ्री ईयर ग्रोथ पीरियड के हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ देखें, तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ जो देखने को मिला है वो टाइटन का देखने को मिला है, इसीलिए हम लोग इसे फर्स्ट रैंक देते हैं, सेकेंड रैंक पर वैभव ग्लोबल आती है और माइनस ग्रोथ के साथ यानी डीग्रोथ के साथ राजेश एक्सपोर्ट थर्ड नंबर पर आती है। अब आइए नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो फर्स्ट नंबर पर 43% नेट प्रॉफिट ग्रोथ के साथ वैभव ग्लोबल, एक नंबर पर आती है, दो नंबर पर टाइटन और तीन नंबर पर राजेश एक्सपोर्ट आती है। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 12 फाइनेंशियल पैरामीटर के आधार पर हम लोगों ने इन तीनों स्टॉक का रैंकिंग कर लिया। अब हम लोग इसके मास को बैठाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग कंपेरिजन करेंगे कि आखिर फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो दोस्तों जिस कंपनी का रैंक वन है उसे हम लोग तीन मार्क्स देंगे, यदि सबसे ज़्यादा मार्क्स देंगे
अगर हम लोग यहाँ पर देखें दोस्तों कि नेट प्रॉफिट मार्जिन में सबसे ज्यादा जो रैंक आया है सबसे अच्छा, वो वैभव ग्लोबल एक नंबर लेकर के एक रैंक पर है, इसलिए हम लोग इसको 3 मार्क्स देते हैं। और टाइटन कंपनी का जो रैंक था 2 था, इसलिए हम लोग इसको 2 मार्क्स देते हैं। सबसे कम जो मार्क्स पाया है राजेश एक्सपोर्ट, चूंकि ये 3 रैंक लाई थी, 3rd रैंक में थी, इसलिए इसे हम लोग 1 मार्क्स देते हैं। और उसी प्रकार से रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में वैभव ग्लोबल 1st रैंक पर थी, तो इसलिए इसे हम लोग 3 मार्क्स देते हैं। और टाइटन कंपनी 2nd रैंक पर थी, इसलिए हम लोग इसे 2 मार्क्स देते हैं। और सबसे लास्ट रैंकिंग राजेश एक्सपोर्ट का था, इसलिए सबसे कम मार्क्स 1 मार्क्स देते हैं राजेश एक्सपोर्ट को। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सारे पैरामीटर पर हम लोगों ने मार्क्स यहाँ पर बैठा लिया है। अब आइए दोस्तों, अब फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आता है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो 28 मार्क्स के साथ वैभव ग्लोबल 1 नंबर की कंपनी आती है, और राजेश एक्सपोर्ट 21 नंबर के साथ 2 नंबर की कंपनी आती है, और 20 मार्क्स के साथ टाइटन कंपनी 3 नंबर की कंपनी आती है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोगों ने मार्केट कैप को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है, तो जो इनका रैंक आ रहा है, तो 1st नंबर पर वैभव ग्लोबल और 2nd नंबर पर राजेश एक्सपोर्ट और 3 नंबर पर टाइटन कंपनी आ रही है। लेकिन दोस्तों ये जो रैंकिंग आया है, इसमें से थोड़ा सा डेविएट करना पड़ेगा, इसलिए कि जो राजेश एक्सपोर्ट है यहाँ पर देखिए, ये रेवेन्यू के मामले में निगेटिव ग्रोथ में चल रही है, प्रॉफिट के मामले में भी निगेटिव ग्रोथ चल रही है। तो हम लोग कभी भी इसको 2nd नंबर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि फाइनेंशियल पैरामीटर कंपैरिजन में जो रिजल्ट है वो कुछ उल्टा निकल के आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा दोस्तों कि कौन सी कंपनी हाई ग्रोथ में है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हाई ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो वैभव ग्लोबल में देखने को मिल रहा है, और टाइटन जो है 2nd नंबर पर आ रही है, और राजेश एक्सपोर्ट जो है 3rd नंबर पर आ रही है। तो इस पूरे फाइनेंशियल पैरामीटर के आधार पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि वैभव ग्लोबल ही 1 नंबर की कंपनी है, और 2nd नंबर पर हम लोग टाइटन कंपनी को ही देंगे और राजेश एक्सपोर्ट को नहीं देंगे। हालांकि इनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन इनके जो डी ग्रोथ को देखते हुए हम लोग इसको यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे 2nd नंबर के लिए। तो 1st नंबर पर वैभव ग्लोबल और 2nd नंबर पर हम लोग टाइटन कंपनी को ही स्थान देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि हम लोगों ने 12 फाइनेंशियल पैरामीटर पर इन तीनों कंपनियों का कंपैरिजन किया, और आज के मार्केट के कंडीशन के हिसाब से 1 नंबर पर वैभव ग्लोबल और 2 नंबर पर राजेश एक्सपोर्ट और 3 नंबर पर टाइटन कंपनी आई। लेकिन जो डीग्रोथ के फिगर हम लोगों ने देखे दोस्तों, उसके हिसाब से हम लोग 1 नंबर पर वैभव ग्लोबल को ही रखेंगे और 2 नंबर पर टाइटन कंपनी को रखेंगे, और राजेश एक्सपोर्ट में निवेश की सलाह नहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कंपनी अभी डिग्रोथ में चल रही है। तो दोस्तों, अभी तक मेरे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट भी करें, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।